नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, पंचायती राज LDC भर्ती 2013 को लेकर अशोक जी वैष्णव का संदेश यहाँ पे इस वीडियो में सुनाएंगे। और दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इनका साथ अवश्य देंगे। यहाँ दोस्तों, पंचायती राज LDC भर्ती 2013 को पूरा करवाने को लेकर 10,029 पदों का जो मामला है, आज AG साहब को यहाँ पे सरकार ने पत्र लिखा है, जिस पत्र में इन्होंने इस भर्ती को पूर्ण बताया 10,029 पदों पर। अब दोस्तों, सुनवाते हूँ अशोक जी वैष्णव का संदेश। अभी भी जस्ट मेरी अपने एडवोकेट जोधपुर मनीष जी पटेल साहब और सरकार के AG बेनीवाल साहब, दोनों से मैंने अलग अलग फोन पे बात करी और मनीष जी पटेल ने कहा कि ये तो तथ्य है, झूठे कोर्ट में पेश कर रहे हैं, अगर ये तथ्य पेश करे जाएंगे तो पहली हियरिंग में इनके तथ्य सारे खारिज हो जाएंगे, और अच्छा अगर ये गलत तथ्य पेश करेंगे तो अपना केस उतना ही मजबूत होगा, इसलिए किसी भी साथी को विचलित होने की जरूरत नहीं है। और आप निश्चिंत रहो, हम 100% इस केस में जीतेंगे, जीतने के साथ ही अपन पूरे 10,029 पदों को भरवाएंगे, ऐसा माननीय वकील साहब मनीष जी पटेल ने मुझे कहा। इसके अलावा मैंने बेनीवाल जी से ही बात करी, बेनीवाल जी ने कहा कि मैंने चूंकि बहुत सारे इस तरह के वेटिंग लिस्ट के या लिटिगेशन लगे हुए हैं कोर्ट में, तो विभाग का भी मत चाह, विभाग इसमें क्या कहना चाहता है कि क्या इन पदों को भरने की इच्छा रखता है क्या नहीं है। लेकिन जो पूर्व में मुझे पत्र प्राप्त हुआ उसमें तो ये कह रखा था कि हमने वेटिंग लिस्ट भरने है तो प्रक्रियाधीन भर्ती है, और अब अचानक अगर ऐसा पत्र वो लिख रहे हैं जो कि आप मुझे बता रहे हो, मेरे को मिल जाने दीजिए, मिलने के बाद में मैं खुद वापस विभागीय अधिकारियों से बात करूंगा कि इससे पूर्व के पत्र में तो आपके द्वारा यह कहा गया है कि उक्त भर्ती प्रक्रियाधीन है और इसको प्रक्रियाधीन ही अपने को दिखाना, और अब वर्तमान में 2017 में भर्ती पूर्ण होना बताया जा रहा है, जो कि दोनों में अपने आप में एक विरोधाभासी चीज है। इसलिए उन्होंने बेनीवाल जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ये किन कारणों से लिखा गया है जब अधिकारियों से मैं बात करूंगा तभी सारी स्थिति स्पष्ट होगी। इसलिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ, चाहे कोई साथ हो नहीं, उसमें कोई नहीं, इसमें तो एक अकेला व्यक्ति भी लड़ाई लड़ सकता है, मैं लड़ूंगा, सभी से साथ देवे तो भी बहुत अच्छा है, इसमें केवल मनोवैज्ञानिक साथ की जरूरत है और किसी साथ की जरूरत नहीं है। 10,029 पद पूरे भराएंगे, पूरी उम्मीद है, और हर हाल में ये जंग जीत के रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अशोक जी वैष्णव ने क्या बताया कि AG से वार्ता हुई है, जिसमें AG साहब ने साफ साफ बोला है कि जब पिछली बार अधिकारियों ने जिनको पत्र दिया था तब इस भर्ती को प्रक्रियाधीन बताया, और जल्द से जल्द जो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से 10,029 पद भरना बताया, और अब ये लेटर के माध्यम से बता रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो उन्होंने कहा एक बार मेरे को लेटर मिल जाने दीजिए, फिर मैं अधिकारियों से वार्ता करूंगा। एक दूसरा संदेश भी दोस्तों यहाँ पे अशोक जी वैष्णव का आप सुन सकते हैं, आइए दोस्तों वो भी सुनवाता हूँ। मेरा इस ग्रुप के तमाम एक्टिव साथियों से निवेदन है कि अभी अभी वापस वकील साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि 2018, 2017 और 2019 में इन्होंने इन पदों में जो अलग अलग जिला परिषदों ने नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, वो समस्त जिला परिषदों से नियुक्ति पत्र जो जारी हुए हैं उनको कलेक्ट करवाना है और ऑथेंटिक अपने को RTA इन्फॉर्मेशन में लेना है कि भाई कितने कितने ऑर्डर इन्होंने नियुक्ति हेतु जारी किए हैं 2017 के बाद में। और इसके अलावा अपने को विभिन्न जिला परिषदों में जो पूर्व में अपन ने RTA में सूचना ली थी कितने कितने पद विज्ञप्ति हेतु जारी किए गए थे वर्गवाइज, और उनमें कितने कितने पदों में नियुक्ति हो गई और कितने कितने पद खाली है, ये RTA का काम अगले 10 दिन के अंदर संपूर्ण अपने साथियों को सभी जिलों में लगा के करना है, और ये 10 दिन में अपने को ये कंप्लीट कलेक्शन चाहिए। और माननीय वकील साहब ने कहा कि 10 दिन में सारा एक्सरसाइज करके आप जोधपुर मेरे पास पहुंचा दो, ताकि मैं अगले ही 10-15 दिन के अंदर मैं सरकार के खिलाफ और अपने पक्ष में बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर कोर्ट से जारी कराऊंगा, ये आपसे मेरा वादा है। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि प्लीज कल ही RTA का फॉर्मेट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उस फॉर्मेट में आप सभी साथी अपने अपने जिला परिषद में RTA लगाने का कष्ट करावे। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अशोक जी वैष्णव भाई साहब ने आपसे गुजारिश की है कि RTA के माध्यम से आप सूचना प्रोवाइड करवाएं, ताकि वो सूचना है जो एडवोकेट साहब को पहुंचाई जा सके, और
इसके बाद में आपको यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइनिंग दिलवाने का काम शुरू हो सके। या दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है माननीय प्रदेशाध्यक्ष अशोक जी वैष्णव ने और वकील साहब ने भी दोस्तों यहाँ पे सकारात्मक आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती होगी। आप मेरे को ये रिकॉर्ड जो माननीय प्रदेशाध्यक्ष अशोक जी वैष्णव ने बताया है वो आप प्रोवाइड करवाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आपको कल RTI का फॉर्मेट व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, मैं भी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा दोस्तों फॉर्मेट, और साथ में ही आपको PDF कॉपी या आपको फोटो प्रति उसकी उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप अपनी अपनी जिला परिषद में वो लगाएं और वो सूचना 10 दिन में कलेक्ट करके माने आप भाई साहब को दें और भाई साहब अपने जो वकील साहब हैं उनको प्रोवाइड करवाएंगे और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को जल्द से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।